प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बनेगा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा ऊंची होगी श्री राम की स्टैच्यू। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर और यह अभी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। लेकिन श्री राम की स्टैच्यू होगी 251 मीटर, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी 69 मीटर ज्यादा। अगले 4 साल में अयोध्या में श्री राम की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनकर तैयार हो जाएगी और इसके साथ ही अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर 40 फीट लंबा ये वीणा लगाया जाएगा जिसमें श्री राम की मधुर धुन सुनाई देगी। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई को डेडिकेटेड दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। ये गुजरात के केवड़िया में है और इस स्टैच्यू की हाइट है 182 मीटर। लेकिन अब प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाया जाएगा जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 69 मीटर ज्यादा ऊंचा होगा और ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू होगा। श्री राम के प्रतिमा को सुप्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार जी ने डिजाइन किया है। 2018 में ही इसके डिजाइन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने प्रस्तुत किया गया था और उसी समय से अप्रूवल मिल गया था। रामवी सुतार जी अपने देश के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। मुंबई में बन रहे 212 मीटर ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 137 मीटर ऊंची स्टैचू भी यही तैयार कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने 40 फीट लंबी कांस्य धातु से बना इस वीणा को बनाया है। ये अयोध्या में नया घाट के लता स्मृति चौक पर लगाया जाएगा। लता स्मृति चौक लता मंगेशकर जी के स्मृति में बनाया गया है, तो जस्ट इमेजिन कि स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर जी को डेडिकेटेड इस पार्क में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वीणा होगी और इस वीणा से स्वर्ग कोकिला लता जी के आवाज में प्रभु श्री राम की धुन सुनाई देगा। तो जब यह पूरी तरह से तैयार होगा तब यहाँ का नजारा अद्भुत होगा। इस वीणा में माँ सरस्वती और लक्ष्मी जी की कलाकृति उभरी हुई है। ये वीणा साहिबाबाद की कार्यशाला में बनाया गया है और ट्रक से इसे अयोध्या लाया गया है। इस वीणा की टोटल वजन है लगभग 14 टन। तो अयोध्या में अब बदलाव दिखने लगा है। राम मंदिर से शुरू हुई अयोध्या के बदलाव की कहानी में हर दिन एक नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और शानदार ISBT के साथ साथ अयोध्या के सभी प्रमुख सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। सरयू नदी के घाटों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ सभी धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है। ये वीणा भी कुछ दिनों में लता मंगेशकर जी के आवाज में श्री राम की धुन सुनाने लगेगी और आने वाले टाइम में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू भी अयोध्या में होगी। तो अयोध्या के डेवलपमेंट और श्री राम मंदिर से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सबको जानकारी मिले। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अगर फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।